नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव 30 अक्टूबर को संपन्न होने के बाद अब उनकी किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद है। मशीनों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 3 लेयर सुरक्षा बनाकर स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है। मतों की गणना 27 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी। ये बात रिटर्निंग अधिकारी संदीप अग्रवाल ने स्ट्रांग रूम का दौरा कर कही। विस्तृत जानकारी देते हुए रिटर्निंग अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बताया कि खंड भिवानी के 259 बूथों के लिए 14 टेबलों पर 19 राउंड में मतगणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य की मतगणना एजेंट पास के लिए आवेदक निर्धारित परफॉर्मा में पुलिस वेरिफिकेशन करवाकर सभी दस्तावेज संलग्न करें। इसके लिए स्थानीय BDPO कार्यालय में डेस्क बनाया गया है और जिला परिषद की मतगणना एजेंट पास के लिए लघु सचिवालय चुनाव कार्यालय से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि भिवानी ब्लॉक की मतगणना स्थानीय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के हॉल नंबर 1 में 27 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के लिए व्यापक प्रबंध कर दिए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी संदीप अग्रवाल ने प्रत्याशियों के मतगणना एजेंटों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने साथ अपना पहचान पत्र जरूर लेकर आएं, इसके बिना अंदर प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा मतगणना हॉल में किसी को मोबाइल या अन्य कोई सामान साथ लेकर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति सदस्य की मतगणना एजेंट पास के लिए इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रोफार्मा भरकर आधार कार्ड और फोटो के साथ स्थानीय BDPO कार्यालय पर डेस्क पर और जिला परिषद की मतगणना एजेंट पास के लिए लघु सचिवालय स्थित चुनाव कार्यालय में जमा करवाएं। भिवानी से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। जिला परिषद और पंचायत समिति खंड भिवानी के जो इलेक्शन वो संपन्न हुए, अब उनकी काउंटिंग 27 तारीख को सुबह 8 बजे से आरंभ होगी और पंचायत समिति खंड भिवानी और जिला परिषद वार्ड नंबर 1 से 7 की काउंटिंग हॉल नंबर 1 है एजुकेशन बोर्ड, वहाँ की जाएगी। सुबह 8 बजे से आरंभ की जाएगी। इसी की तैयारी के लिए आज समीक्षा की जा रही थी कि कैसे कैसे इसमें टेबल लगेंगी और कैसे बैरिगेटिंग वगैरह, और इसमें टोटल मिला के हमारे 259 बूथ्स हैं तो उनकी काउंटिंग के लिए हमने 14 टेबल निर्धारित की गई है जो लगभग 19 राउंड में कम्प्लीट होगी। और जिला परिषद और पंचायत समिति की काउंटिंग साथ साइमल्टेनियसली ही चलेगी, दोनों की हर बूथ वाइज काउंटिंग होगी। तो इसमें सभी उम्मीदवारों से मेरा यही अनुरोध है कि वह जो अपने काउंटिंग एजेंट बनाना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म्स वगैरह BDPO ऑफिस में बिठा रखे हैं हमने अपनी टीम, वो वहाँ जाके अपने निर्धारित फॉर्म लें और साथ में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे फोटोग्राफ है, आधार कार्ड है और अपना वोटर कार्ड है और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, वो सारी सबमिट करवाएं जिससे उनको समय पर ही काउंटिंग एजेंट के लिए सर्टिफिकेट या उनके जो पास मिल सके। तो सभी जिस और एक चीज़ और थी कि काउंटिंग हॉल में कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए और किसी तरह का बेल्ट है जैसे पर्सेस हैं, चाबी है और ये सब चीज़ें हैं जो वर्जित हैं वो लेकर ना आए जिससे उनको आपको असुविधा ना। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।